Let us start with proportion. I'll give you the definition first. You take down the definition and all the points. Equality of two ratios is called as proportion. If A by B is equal to C by D, then A, B, C and D are said to be in proportion, where A is called as first proportional, B is called as second proportional, D not D, sorry. C is called as third proportional and D the fourth proportional. Here B and C are called as means. A and D, they are called as extremes. So if I observe my given ratio A upon B is equal to C upon D, this implies that A into D is equal to what? B into C. So A into D over here is called as product of extremes. This is product of means. So the condition for the four numbers to be in proportion is that product of extremes has to be exactly equal to the product of means. This is the condition required for the four numbers to be in proportion. Okay, samjhaiye itna. Okay, ye likh liya. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज फॉर द कंटिन्यूड प्रपोर्शन. इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट केस. द ओनली डिफरेंस इज दैट नॉर्मल प्रपोर्शन के लिए अपने को चार टर्म्स का जरूरत होता है, ए बी सी एंड डी. कंटिन्यूड प्रपोर्शन में तीन ही टर्म्स होएगा. सो वी से दैट टर्म्स ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू B upon C. मतलब continued इसलिए बोलते हैं क्योंकि B जो element है ना, ये common element है दोनों ratios के लिए. That's why. Okay. So I will get over here. A into C is equal to B square, or I can say that B square is equal to AC. So in this particular case, B is
mean proportional between A and C. So that is what we have to remember between for the continued proportion. So normal proportion or continued proportion, दोनों के बीच में difference समझ में आया तेरे को? नॉर्मल प्रोपोर्शन में चार नंबर्स होएगा ए बी सी डी, इसके अंदर तीन ही टर्म्स होएगा ए बी एंड सी. ओके, जिसमें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन रहेगा. यस, इसके अंदर मिडल एलिमेंट कॉमन होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. नॉर्मल प्रोपोर्शन में कोई कॉमन नहीं होता है, सब अलग अलग चार टर्म्स होते हैं. इसका एग्जाम्पल्स भी मैं तेरे को दूंगा जब एक्सरसाइज करेंगे हम लोग तो, लेकिन पहले सब थियोरिटिकल पार्ट एंड प्रॉपर्टीज कर लेते हैं पहले हम लोग. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है इस कॉल्ड एस प्रॉपर्टीज ऑफ proportion. The first property that we have is, you write it along with me, okay? Invertendo. If A by B is equal to C by D, then by invertendo, B upon A will be equal to B upon C. तो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है, वी आर जस्ट टेकिंग reciprocals. ओके, ऑन बोथ द साइड्स ऑब्वियसली. Second is, alternando. If A upon B is equal to C upon D, by alternando, it says that A upon C will become equal to B upon D. What are we doing? We are interchanging mean values. याद है मैंने बोला था B and C are the mean values, A and D are the extreme values. तो हम लोगों को यहाँ पर मीन और मीन्स को इंटरचेंज करना है, मतलब बी के जगह पर सी आ जाएगा, सी के जगह पर बी आ जाएगा. समझाइए. सो दैट इज योर पॉइंट नंबर थ्री. इसके टू, सॉरी, पॉइंट नंबर थ्री इज नाउ द नेक्स्ट, विच इज कंपोनेंट. If A by B is equal to C by D, by componendo, it says that A plus B upon B is equal to C plus B upon D. क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? Both numerator and denominator values are added in the numerator. Same fraction ka numerator and denominator, numerator mein add hota hai. A plus B upon B and C plus D upon D. Okay. ये जो सब प्रॉपर्टीज हम लोग कर रहे हैं ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं आता है तुम लोगों को अपने इसमें एग्जाम में,
लेकिन दे आस्क यू द एमसीक्यूज, जहां पे अपने को करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होता है, करेक्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ये पार्ट लिख लिया पूरा, रब करूं? नंबर फोर, वी नीड कंपोनेंट नाउ, राइट? नाउ डिविडेंड, वंस अगेन, इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, बाय डिविडेंडो इट इज सिमिलर टू कंपोनेंडो, द ओनली डिफरेंस इज कंपोनेंडो में हम लोग दोनों नंबर्स को एड करते थे, डिविडेंडो में हम लोग दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे। सो इट विल बिकम ए माइनस बी अपॉन बी एंड सी माइनस डी अपॉन डी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड इन द न्यूमरेटर नॉट इन द डिनोमिनेटर। ओके, नंबर फाइव, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी डिड जस्ट नाउ, विच इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो डिविडेंडो इज इक्वल टू सी बाय डी बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब ये कैसे अप्लाई होगा? कंपोनेंडो में हम लोग क्या करते हैं? टर्म्स का एडिशन करते हैं। डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं? टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जब कंपोनेंडो डिविडेंडो साथ में अप्लाई होता है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो द प्रॉपर्टी विल बिकम लाइक दिस, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। समझा ये प्रॉपर्टी? बोथ टर्म्स, ये मैं येलो में लिख रहा हूं, वो भी लिख रही है ना तो बेटा, आर एडेड इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड इन द डिनोमिनेटर। फिर पॉइंट नंबर सिक्स, एडेंडो। नाउ द नेम इटसेल्फ इज वेरी क्लियर, एडेंडो का मतलब अपने को सब एलिमेंट्स जो भी रहेगा उसका एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? लेट अस सी। इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ एंड सो ऑन, सपोज अगर दो से ज्यादा रेशियो है, तीन रेशियो चार रेशियो अगर ऐसा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? बाय एडेंडो आई विल एड ऑल द न्यूमरेटर्स विथ ईच अदर एंड ऑल द डिनोमिनेटर्स विथ ईच अदर। ठीक है, एड ऑल न्यूमरेटर्स विथ ईच अदर एंड ऑल डिनोमिनेटर्स विथ ईच अदर।
Is that clear? Now the last property. That was number 6, right? Yeah. So number 7. Subtrahendo. Again, similar to the previous case, if I have A by B is equal to C by D is equal to E by F and so on, then by subtrahendo, A minus C minus E and so on upon B minus D minus F, जो भी एलिमेंट्स है ऑल ऑफ देम टू. इज दैट क्लियर? दो तीन एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं. ओके, सपोज इफ यू आर गिवन द क्वेश्चन Example 1. Find mean proportional between (121) and (49). तो हम लोग क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल जिधर भी निकालने का बात आता है ना, तो हमेशा याद रखना इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ठीक है, तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का बात आता है ना, तो अपने को अपना फॉर्मूला याद आना चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला फॉर्मूला. बी को हम लोग ने मीन प्रोपोर्शनल बोला था, याद है? सो इफ आई अज्यूम दैट लेट बी बी द mean proportional between 121 and 49, तो मुझे क्या मिलेगा, b square is equal to ac बोला है, तो a के जगह पर 121 आ गया, c के जगह पर 49 आ गया, तो b निकालने को क्या करेंगे, square root ले लेंगे, 121 का square root 11, 7 का square root 49 का स्क्वायर रूट 7, तो अपने का बी का वैल्यू क्या आ गया, 77. समझ में आया? ये लिख ले, फिर एक और एग्जांपल देता हूं, हो जाएगा तो बताना. Suppose if you are given a question which is like this. Three x minus 2y upon 2y minus 3x is equal to 7/11, and I have to find the value of x is to y. So it's a very simple thing. Directly cross multiply कर देंगे तो अपने को मिलेगा 11 into 3, 33x minus 22y. ये दोनों को इसके साथ cross multiply कर देंगे, 7 into 2, 14y minus 21x. Take x terms together and take the y terms together. So इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल गो ऑन द अपोजिट साइड, सो दिस विल आल्सो गेट एडेड. सो व्हाट डू आई गेट, 33x प्लस 21x इज इक्वल टू 14y प्लस
22y. So what is this? 33 plus 21, 54. 14 plus 22, that is 36. We are interested in x upon y. So leave this x over here, take it y on the opposite side. This is equal to 36 upon 54. ये दोनों को 9 के साथ कटिंग करो. सो 9 4 जा 36 एंड 9 इंटू 6 इज 54 और कटिंग होएगा 2 एंड 3. सो व्हाट डू यू गेट? x इज टू y इज इक्वल टू 2 इज टू 3. समझ में आया? हो गया लिख के बेटा ये? ठीक. सपोज अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, P by Q is equal to U by V is equal to 25 upon 50. And the question over here is asking you to find PV upon Q into U. So what will we do? It's a very easy thing. P by Q अपने को कितना दिया है? 25 by 15. And U by V, this is also given to you as 25 by 15. I require P to be multiplied with V and Q to be multiplied with U. So what we do is just P by Q upon U by V कर दूंगा ना, तो automatically reciprocal होके ये V जो है P के साथ multiply हो जाएगा और ये जो U है वो Q के साथ multiply हो जाएगा. बराबर है? This will become 25 by 15 and again divided by 25 by 15. So the best part is ये तो cut होके 1:1 हो गया. यहाँ पर खाली लेफ्ट हैंड साइड में अपने को कैंसलेशन करने के बदले रेसिप्रोकल लेना है, विच इज इक्वल टू 1/1. दिस इम्प्लाइज द आंसर इज 1:1. इज दैट क्लियर?